ट्रांसफार्मर उठा रही क्रेन अनियंत्रित होकर पलटी, क्रेन के नीचे दबने से जे नरोत्तम जाटव की मौत। जिले के कोलारस कस्बे में बिजली सब स्टेशन पर आज एक बड़े ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग का काम किया जा रहा था। इस काम में लगी क्रेन बिजली के ट्रांसफार्मर को उठाए हुए थी, तभी अचानक ने क्रेन पलट गई। क्रेन की चपेट में आ जाने से जेई की मौके पर मौत हो गई, साथ ही एक एई को भी चोट आई है। घायल को उपचार के लिए शिवपुरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलारस थाना पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कोलारस कस्बे के बिजली सब स्टेशन पर 3 महीने से खराब पड़े 5 MVA के PTR ट्रांसफार्मर को बदलने का कार्य आज किया जा रहा था। 12 से 15 टन वजनी ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए क्रेन को लगाया गया था। क्रेन बड़े ट्रांसफार्मर को उठाई हुई थी। इस दौरान क्रेन PTR ट्रांसफार्मर के वजन को नहीं सह सकी और अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान निगरानी के लिए मौके पर खड़े एई नरोत्तम जाटव और जेई आशुतोष कुमार क्रेन की चपेट में आ गए। क्रेन के नीचे दबने से एई नरोत्तम जाटव की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मरने वाले जेई नरोत्तम जाटव शिवपुर जिले के सबलगढ़ क्षेत्र के सांथेर गांव के रहने वाले थे। नरोत्तम जाटव की मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इधर बिजली विभाग में भी शोक की लहर है। क्या नाम है आपका? कैसे हुआ जी? हम पाइपलाइन चला रहे थे, और चबूतरे पे से अचानक एकदम पलट गया। एक व्यक्ति उनका नाम उत्तम मिश्रा, जाटव वो जी थे, तो और कितने स्टाफ होंगे सबके साथ? जो तो बहुत से वहाँ पर हम थे, 4-5 जने बस। रस्सी नहीं टूटी, वो उठा के लाए थे एकदम अंदर हुआ या क्या हुआ भगवान जाने, एकदम पलट गया। फाइव एम भी उठा रहे थे, उसको गुना ले जा रहे थे। जही सब हम एक हमारे साथ वो 2-3-4-5 संगी जंगी रही, थोड़ी दूर लगी वो देखते तो बच्चे आ जाते। कहाँ पर हुआ पावर?